क्लास 10 इस एक वीडियो से सोशल साइंस में तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स बच सकते हैं लिटरली, क्योंकि इस एक वीडियो में हम सारे के सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, सारे के सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स में आते हैं, और इसी वीडियो में सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं विद ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जिससे कई सारी कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो बस स्टार्ट कर दिया वीडियो, एंड तक देखना, और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए फ्री MCQ क्विज, फ्री वर्कशीट्स, फ्री सैंपल पेपर विद डिजिटल नोट्स तुम्हें अपने फ्री ऐप पढ़ लक्ष्य पर मिल जाएंगे। अभी जाके गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लक्ष्य के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, और पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये इमेज देकर के आ सकता है कि हु इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। पोस्टमैन की तरह इसको दिखाया गया है, सबको पता है, तुमने चैप्टर पढ़ा है, नेपोलियन बोनापार्टे। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये इस इमेज में किसको दिखाया गया, सबसे पहले तो ये बताओ, गुस्सिप्पे मजिन्नी। किसको दिखाया गया है? गुस्सिप्पे मजिन्नी। और इसमें है क्या, दिखाया क्या गया बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग इमेज, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ विना, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप, गुस्सिप्पे मजिन्नी यूनिफाइंग इटली, नन ऑफ द अबव। तो फाइंडिंग ऑफ यंग इटली इन यूरोप इन बर्ने, ठीक है, ऑप्शन बी। अरे सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी ना यंग यूरोप की, किसने? मजिन्नी साहब ने अपने। देन नेक्स्ट देखो अगली क्या है, इस इमेज में क्या दिखाया गया है, ये इमेज बहुत कम चांस आने का, बट आ सकता है तो हमने देख लिया। इसमें कौन सा इवेंट दिखाया गया था ये पूछ सकता है, तो ये सबसे पहले जान लो कि अलमैनक का डिजाइन है, और इवेंट है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगला जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 यहां क्या है। अब यहाँ सबको पता है कि यहाँ पे वुमेन के खिलाफ गलत हुआ था, यहाँ खड़ा करा दिया गया था पार्लियामेंट में, ऊपर बैठने की भी जगह नहीं दी गई थी। कौन सी जगह है? सेंट पॉल का चर्च और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ऑप्शन सी। बहुत जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रॉपर सैंपल पेपर लगाने हैं, क्विज देना है, तो अपने फ्री ऐप पढ़लक्ष्य वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे मिल जाएगा सब कुछ फ्री में, नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। बैक टू क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे किसको दिखाया गया बताओ, हु इज शोन इन दिस पिक्चर सिटिंग ऑन नीज। एक व्यक्ति यहाँ नीचे बैठा है और एक व्यक्ति ये ऊपर है। तो देखो ये जो नीचे बैठा हुआ है ये कौन है, ये है गुस्सिप्पे गरिबाल्दी। याद रखना ये मजिन्नी साहब नहीं है, ये है अपने गरिबाल्दी साहब, जो हेल्प किसको कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं किंग विक्टर इमैनुअल 2 को, ठीक है। आ जाओ 6, ये पोस्टर स्टैम्प किसका है, अरे एलेगरी, एलेगरी पढ़ा था ना, फ्रांस की एलेगरी है ये, जिसका नाम क्या है सबको पता है, फ्रांस की एलेगरी का नाम क्या था, मरियन ने, और जर्मेनिया किसका नाम था, जर्मनी के एलेगरी का। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज। अब ये इमेज कौन सी थी बताओ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये फ्रांस वाली एलेगरी है या फिर जर्मनी वाली, तो याद रखना ये जर्मनी वाली है। और इसमें दिखाया क्या जा रहा है, इसमें देखो पहला ऑप्शन है वुमेन स्ट्रेंथ, वुमेन सफरिंग, वुमेन इज फाइटिंग फॉर राइट, बर्डन ऑन वुमेन। क्या दिखाया गया है, वुमेन स्ट्रेंथ, जर्मनिया की यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है, याद रखना। देखो इस पेंटिंग का नाम पूछा जाएगा, तो ये लिखना द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। किसने बनाई थी, तो सबको पता है फ्रेडरिक सॉरियो साहब ने। कब बनाई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 1848। देन ये अपने वही सबके आंसर है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया क्या है। इसमें सबसे पहली ये इमेज है, इसमें क्या दिखाया गया बताओ, विच इज द इवेंट सिग्निफाइड हियर, कौन सा इवेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो पीपल सेलिब्रेटिंग बैसाखी, बिल्कुल नहीं, बैसाखी तो सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। सिटीजन पार्टिसिपेटिंग इन खिलाफत मूवमेंट, क्या खिलाफत मूवमेंट का पार्टिसिपेशन दिखाया जा रहा है, नहीं। सी ऑप्शन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, देखो ये खादी वाला जो चरखा है व्हील, इसको लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे बॉयकॉट दिखाया जा रहा है फॉरेन क्लोथ का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा इंसिडेंट है बताओ, ये कौन सा इंसिडेंट है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अरे भाई चौरी चौरा इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के बाद कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड इससे है, जिसको कॉल ऑफ कर लिया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब चौरी चौरा हुआ इस इंसिडेंट के बाद, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया, क्योंकि वॉयलेंस फैल गया था। देन नीचे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कौन सा इवेंट दिखाया गया, फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना डांडी मार्च दिखाई गई है, और वही यहाँ पे मार्क कर दो। डांडी मार्च से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो हमने ऑलरेडी जो वन शॉट बुक कराई है वीडियोज उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे 240 माइल्स चले थे, 10 माइल्स पर डे, कितने लोग, ये सब कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ थर्ड पर्सन कौन है, तो महात्मा गांधी हो गए, नेहरू साहब हो गए, ये थर्ड पर्सन कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, जल्दी बताओ। अरे भाई याद रख लो कि ये थर्ड पर्सन है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज भारत माता पोर्ट्रेड, यहाँ पे भारत माता को कैसा दिखाया गया बताओ,
एसेटिक, डिवाइन, स्पिरिचुअल, इन तीनों में से क्या दिखाया गया है? याद रखना, क्लियर आंसर इस कि भारत माता को यहां पर दिखाया जा रहा है एक ऐसे स्टाइल में जो कि क्या है, काफी डिवाइन है, ठीक है, काफी ज्यादा डिवाइन स्टाइल में दिखाया गया है। देन नीचे आओ, क्वेश्चन 5, हाउ इज भारत माता पोर्ट्रेड इन दी गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में भारत माता को कैसा पोर्ट्रेट किया गया बताओ। देख करके हमें थोड़ी डिवाइन फीलिंग आ रही है, स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है ना। तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो दोनों दिया हुआ है, डिवाइन, स्पिरिचुअल, एसेटिक। तो अगर ये तीनों टर्म्स दिए हुए हैं तो ये तीनों ही टर्म्स करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव माफ कर देना। बट अगर मान लो तीनों टर्म नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल और बाकी अलग अलग टर्म्स हैं, कुछ अलग डिफरेंट टर्म्स हैं, तो स्पिरिचुअल मार्क करना या डिवाइन मार्क करना पड़ेगा। चलो आगे आओ क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें भी भारत माता ही है, बट यहाँ पर ये जो एलिफेंट दिखाया गया है, लायन दिखाया गया है, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ का सिंबल है? तो याद रखना, वन वर्ड में याद रख लो कि पावर और अथॉरिटी का सिंबल है। चलो अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज बीइंग हेल्ड बाय जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इन दिस इमेज। इन्होंने ये अपने हाथ में कौन सी पुस्तक पकड़ रखी है बताओ। तो पुस्तक का नाम, बुक का नाम है इमेज ऑफ द भारत माता। क्या नाम है? इमेज ऑफ द भारत माता। कई लोग को लगता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बट नहीं, ये बुक का नाम क्या है? इमेज ऑफ द भारत माता। चलो आगे आ जाते हैं। ये सारे के सारे आंसर्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो इस बार काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, काफ़ी रिडक्शन हो गया है, कम चांसेस से क्वेश्चन आए, बट स्टिल आ सकता है। तो हम यहाँ पर इससे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आ सकते हैं। जैसे विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई दिस इमेज, ये इमेज में क्या सिग्निफाई किया गया है? यार इस इमेज के थ्रू दिखाया जा रहा था ओशनिक ट्रेड, कि कैसे ट्रेड होता है, इधर से उधर लोग आते हैं जाते हैं, है ना, कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट ऑप्शन टू, क्वेश्चन टू क्या है, यहां पर क्या दिखाया गया है? द गिवन चाइनीज केव पेंटिंग इज डिपिक्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इन चारों में से क्या दिखाया गया है? एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन, टोपोग्राफी ऑफ चाइना, चाइनीज सिल्क ऑफ पेंटिंग, या सिल्क रूट ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज सिल्क रूट। सिल्क रूट यहां पर दिखाया जा रहा है कि कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड था सिल्क रूट के थ्रू। देन नेक्स्ट 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 ये देखो क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज, ये इमेज में क्या दिखाया गया है? यार ये इमेज में दिखाया जा रहा है ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, कि ईस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैसे वेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्टेड था। फिर ये इमेज आती है, ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है कि इस इमेज में क्या दिखाया गया है। तो याद रखना, इस इमेज में दिखाया गया है इरिश पोटैटो फेमाइन, ठीक है, और कब हुआ था ये मुझे कॉमेंट करके बताओ तुरंत। और यहाँ पे पूछा गया ये चिल्ड्रन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो इरिश पोटैटो फेमाइन में पोटैटो की बहुत कमी हो गई थी, तो दे आर डिगिंग फॉर पोटैटोज, ये डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं पोटैटोज के लिए, पोटैटोज ढूंढ रहे हैं। फिर अभी सिलेबस में ये लास्ट 5th इमेज आ सकती है कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये सारे ना स्लेव्स खड़े हुए हैं और लोग इनको खरीदने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्लेव्स फॉर ट्रेड, मतलब कि स्लेव्स को बेचा जा रहा है, बस इतना ही इस साल सिलेबस के अकॉर्डिंग आ सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिंट कल्चर पे, यहाँ से क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से इमेजेस इंपॉर्टेंट है काफी, तो आओ चलो देखते हैं एक इमेज को काफी बिल्कुल ध्यान से। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द गिवन इमेज, ये इमेज में क्या दिखाया गया है? अरे भाई ये इमेज में दिखाया गया है कि कैसे बुक वगैरह बनती थी उस टाइम पर, ठीक है, क्या दिखाया गया है कि कैसे बुक वगैरह उस टाइम पे बनती थी, बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के पहले की बात हो रही है। देखो कैसे सब लोग बैठे हैं, कोई बोल रहा है, यहाँ पे हैंड क्राफ्टिंग हो रही है, सारे के सारे लोग लिख रहे हैं, जो भी लोग क्या करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज दिस, ये किस तरह की प्रिंटिंग है बताओ, न्यूज़पेपर, विजुअल आर्ट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, कैरिकेचर्स, किस तरह की? अरे भाई सबको पता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही उस टाइम पे फेमस थी, ठीक है, ऑप्शन सी। देन यहाँ पे क्या दिखाया गया, किस टाइप की इमेज है ये? तो बुक अगर तुमने अच्छे से रीड करी है तो मालूम होगा कि ये है एक क्या, उकियो पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? उकियो प्रिंट, समझ गए। देन द उकियो प्रिंट बाय, इसी का नीचे डिस्कशन है, बाय शुनमान कुबो इज हाईलाइटिंग विच पॉइंट, ये जो उकियो प्रिंट है जिसको किसने बनाया है, शुनमान कुबो ने, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या चीज हाईलाइट की जा रही है बताओ। तो यहाँ पे वुमेन पार्लर है, मॉर्निंग सीन है, रेल कोच, इन दोनों तीनों में से क्या ऑप्शन है? अरे देख कर भी अगर तुम देखोगे तो इजीली मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है मॉर्निंग सीन। चलो आगे आ जाओ, आगे आगे आगे, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, यहाँ पे ये इमेज क्या है, हमने ऊपर देखा कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, बट ये है किस चीज़ का प्रिंट? डायमंड सूत्रा, जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट, वुड ब्लॉक प्रिंट, हमने ऊपर देखा वुड ब्लॉक प्रिंट, बट अगर पूछा जाएगा कि है क्या, तो याद रखना
ये है डायमंड सूत्रा का एक पेज। हु इज द पर्सन गिवन इन दिस इमेज, ये इमेज में कौन पर्सन है भाई साहब? अरे ये बहुत महान इंसान है जिनको काफी डिटेल में तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा, जोहान गुटेनबर्ग, जिन्होंने कैसे कैसे रिवोल्यूशनाइज किया था पूरे प्रिंटिंग सिस्टम को, ये आता है कई बार एग्जाम में। 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस गिवन इमेज। अब ये इमेज में क्या हो रहा है भाई, सबको पता है क्या हो रहा है इस इमेज में, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाई गई है। करेक्ट ऑप्शन इज गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, कि कैसे कैसे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस था, मेटल प्लेट थी, क्या क्या लगा हुआ था और कैसे प्रिंटिंग हो रही थी उस टाइम पे, है ना। देन ऑप्शन नंबर 8, ये क्या है, ये पेज किस चीज का है बताओ, ये पेज किस चीज का दिखाया गया है, पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग बाइबल। गुटेनबर्ग का पहला चीज क्या उन्होंने बनाया था, बाइबल बनाई थी, कितने पेज की, क्या, ये सब डिटेल कई बार आता है, मुझे कॉमेंट करके तुरंत बताओ याद है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ नीचे, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन इमेज, ये इमेज के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करो, कि ये इमेज में क्या दिखाया जा रहा है बताओ। अरे भाई ये होता है पेनी मैगजीन्स, ठीक है। नीचे क्वेश्चन नंबर 10, द कलर्ड वुड कट गिवन इसमें हाईलाइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अरे यार यहाँ पे ना घोर कली नाम है इसका, इस इमेज का नाम है घोर, GHOR कली, यानी घोर कलयुग आ चुका है, कि हस्बैंड के ऊपर वाइफ बैठी है और जो मदर है उसको क्या बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाया जा रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशंस, या फिर ऑप्शन सी मार्क कर सकते हो, इंपैक्ट ऑफ वाइफ ऑन हस्बैंड, दोनों में से दोनों ही एक बार सही है, ठीक है। इतने क्लोज ऑप्शन जल्दी आते नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं अपने पॉलिटिकल साइंस है बोलो सिविक्स पे, विच इज स्टार्टिंग विद पावर शेयरिंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के सैंपल पेपर में भी इस इमेज पे क्वेश्चन था, ये मैप था, ठीक है। द शेडेड पार्ट ऑफ द मैप ऑफ द बेल्जियम इज मोस्ट एक्यूरेटली, मतलब जो शेडेड पार्ट है वो कौन सा रीजन है यहाँ पे, ये पूछा गया है। अरे शेडेड पार्ट क्या है इसमें से भैया, शेडेड पार्ट देखो इस इमेज में तो क्लियरली दिख नहीं रहा है हमें शेडेड पार्ट कौन सा है, तो अगर अब मान लो इसको मानते हैं, ठीक है, अगर मैं तो तुमको इस इमेज से सारा समझा देता हूँ, ये जो सेंटर वाला है ये क्या था, ये सेंटर वाला था इसका कैपिटल रीजन ब्रुसेल्स, ठीक है। फिर जो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन था वो कौन सा था, तो फ्रेंच स्पीकिंग था ये नीचे रेड वाला रीजन, ठीक है, साउथ फ्रेंच स्पीकिंग वलोनिया। फिर ये ऊपर वाला नॉर्थ क्या था, ये था डच स्पीकिंग रीजन, क्या था, डच स्पीकिंग, जिसको हम बोल रहे थे फ्लेमिश, देखो फ्लेमिश डच स्पीकिंग। और ये जो लास्ट में ये छोटा सा, अगर ये पूछता है ना कि ये कॉर्नर में क्या है शेडेड, ये कॉर्नर में जैसे डैश है, तो ये था अपना 1% लोग यहाँ पे रहते हैं जो क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाओ, द शेडेड एरिया ऑफ द मैप ऑफ द श्रीलंका कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पर भी शेडेड कुछ भी शेड करके पूछा जा सकता है, तो याद रखना कि ये वाला जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये क्या था, ये था श्रीलंकन तमिल्स जो काफ़ी रिवॉल्ट वगैरह कर रहे थे, और ये जो पूरा बड़ा रीजन है येलो रीजन, ये येलो रीजन क्या है, सिन्हालीज, जो मेजॉरिटी में थे सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्राउन है ये छोटा सा ये रीजन, ये क्या है, इंडियन तमिल्स, और ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन है जो काफ़ी कम में थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, द स्ट्रीट एड्रेस फोटोग्राफ इन बेल्जियम इंडिकेट्स। अब ये जो देखो स्ट्रीट एड्रेस है ये क्या दिखाता है, यहाँ पे है क्या, दोनों लिखी सेम चीज है बट अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है, ये अलग लैंग्वेज यानी डच और फ्रेंच दोनों में लिखी गई थी। कहाँ पे ये लिखा गया, नेम्स एंड डायरेक्शन इन टू लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया था नाम, क्यों, ताकि दोनों लैंग्वेज की इक्वालिटी रहे, फ्रेंच और डच का काफी प्रॉब्लम था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, द बिल्डिंग, अब ये हेडक्वार्टर कहाँ पे था, अरे भाई इतना तो सबको पता है कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पे था, यूरोपियन पार्लियामेंट, कहाँ पे बनाया गया था, कैपिटल रीजन में बेल्जियम में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन इज यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। देन नीचे आओ, क्वेश्चन नंबर 5, द कार्टून इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये कार्टून में क्या दिखाया गया बताओ, कि जब कोएलिशन पार्टी होती है तो एक लीडर मान लो अलग सोच विचार का है तो वो भी गाड़ी चला रहा है, और अलग सोच विचार का लीडर अपनी गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलेगी कैसे जब दो लोग स्टीयरिंग घुमाने लग जाएंगे अलग अलग तरीके से, तो प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग जर्मनीज ग्रैंड कोएलिशन, ठीक है। फिर नीचे इसमें क्या दिखाया गया है, कि सारे के सारे जो डेमोक्रेसी के टॉप लीडर्स होते हैं वही सारी लगाम पकड़े रहते हैं, ठीक है, कहने को तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बट टॉप लीडर्स काफी ज्यादा ग्रिप रखते हैं पावर के ऊपर। तो डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है दैट पावर रिसाइड्स विथ लीडर्स इन डेमोक्रेसी, यानी सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन में जो टॉप के लीडर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर
फेडरलिज्म, जहां से क्वेश्चन नंबर वन इज इंपॉर्टेंट, विच सेज व्हाट। अरे यार देखो यहां पे क्या है, पावर ऑफ स्टेट, जो सेंटर है वो पावर बांट रहा है, स्टेट्स अलग अलग लगे हुए हैं लाइन में, ठीक है, पावर बांटी जा रही है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे सेंटर जो था अपना बहुत पावरफुल था और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था इंपॉर्टेंट, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पावर का स्टेट्स के थ्रू, स्टेट्स के अंदर। तो स्टेट्स पोजिशन फॉर मोर पावर, ठीक है, यहां पर दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपना सब कुछ कंट्रोल में रखती थी और स्टेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट अपने मन से ही करती थी, जितनी पावर देना चाहती थी सिर्फ उतना, सही से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। देन क्वेश्चन टू, अब ये कार्टून में क्या दिखाया गया है, ये कार्टून में वही प्रॉब्लम दिखाई गई है रनिंग का कोअलिशन गवर्नमेंट की, एक मान लो लीडर तो बैठ गया, ठीक है, बट एक देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ पे हैं, तो ये सारे जब मिल करके बना लेंगे कोअलिशन गवर्नमेंट तो कई सारे सोच विचार के लोग एक साथ आ जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम होती है कोअलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है आज के समय पर, तो सबको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस पोस्टर कम्युनिकेट्स, ये पोस्टर क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, अरे यार ये पोस्टर दिखाता है वुमेन स्ट्रेंथ, ठीक है। देन आगे आओ, ये पोस्टर में क्या दिखाया गया है कि परसेप्शन ऑफ आइडल वुमेन, कि हम सब चाहते हैं कि हमारी मम्मी हर रोल प्ले कर ले, मदर भी बन जाए और सोसाइटी के लिए अच्छा वो भी बन जाए, पैसे भी सही से मैनेज कर दे, यानी सब कुछ बन जाए, तो डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ व्यक्ति बैठे हैं, मैन बैठे हुए हैं और लिखे हैं डोंट वरी वील फाइंड अ वे फॉर यू, और ये गेट ब्लॉक करके खड़े हुए हैं और वुमेन अपना बिल मांग रही है कि भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करो, बट पास नहीं किया जा रहा था उस वक्त पे, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है भाई, वुमेन सर्चिंग फॉर अ वे टू एंटर, इस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शन आएंगे कि क्या ये एक रास्ता ढूंढ रही है अंदर जाने के लिए, बस इतनी सी बात है बताओ, नहीं, द चैलेंज इन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, असली बात ये है ऑप्शन बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द मैसेज इंडिकेटेड इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि सारे धर्म देखो लगे हुए हैं, ये हो गया पंजाबी जी का अपना, मतलब कि सिख वालों का जो सिंबल है, फिर ये अपना हिंदू वालों का सिंबल है, ये अपना क्रिश्चियन का सिंबल है, मतलब कि सारे धर्मों का सिंबल इस चेयर पर लगा दिया गया, और ये चेयर किसकी है, सीएम की, तो दिखाया जा रहा है कि एक सीएम पे कितना प्रेशर होता है सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को वो करने के लिए, लाइक यू नो लुब्रिकेट करने के लिए, खुश करने के लिए कितना प्रेशर बना होता है। ऑप्शन बी, लीडर शुड बी सेकुलर, और यहाँ से ये भी मैसेज दिया गया है कि जब सारा हमारा कंट्री सेकुलर है तो लीडर को भी सेकुलर होना चाहिए, सारे धर्मों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहिए, लीडर शुड बी सेकुलर एंड ओपन टू ऑल रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है, सारे रिलीजियस वैल्यूज के तरफ ओपन होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फिर ये क्या दिखाया गया है कि देखो वोट बैंक है और इसमें सबका अलग अलग नाम लिखा हुआ है, यादव, राजपूत, ठीक है, अलग अलग, यानी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे नेता कास्ट को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, वोट बैंक्स। देन इसमें क्या है, अपार्थेड के बारे में कुछ डिस्कशन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, या अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। चलो नीचे आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे क्या क्वेश्चन हुआ, विच फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज इलस्ट्रेटेड इन दिस कार्टून, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है बताओ, यहाँ पे इस इमेज में क्या दिखाया गया है, अरे यार ऑप्शंस पढ़ो, बहुत इजी है ये, प्लेइंग अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, कि कंट्री के लिए लॉज कौन बनाएगा, उसमें कौन डिसीजन लेगा, वो यहाँ पे क्लियर दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द डिपिक्टेड इमेज, ये इमेज के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल हमें सिलेक्ट करना है इन सारे ऑप्शन में से, क्रंचिंग द नंबर, लॉटरी नंबर, कैनेडियन नंबर। देखो क्रंचिंग द नंबर यहाँ पे खुद ही टाइटल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अगर ऑप्शन में है तो भाई यही मार्क करना है, क्रंचिंग द नंबर। क्वेश्चन थ्री, हु इज द पर्सन इन दिस इमेज ऑफ पपट थिएटर, ये इमेज में कौन है पपट थिएटर के इमेज में बताओ, ये इमेज में दिखाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इटली के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन सारी एनसीईआरटी की इमेज में लिखी होती है, तो थोड़ा एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आते हैं, सब क्वेश्चन इजी होते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर, अब इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है बताओ, कुछ बात की गई है वन पार्टी कंट्री के विषय में, और ये कहाँ की बात की गई है, अमेरिका की, कॉरपोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, कि अमेरिका का जो कॉरपोरेट हिस्सा है वही सारे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर क्वेश्चन फाइव, यहाँ पे क्या बोला गया है, टेंशन, ये लीडर चिल्ला रहा है, सबके सब सामने खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या मैसेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्लियर मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है, विच इज अबाउट, देखो इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्टोरियल डिसिप्लिन इज नॉट आवर कप ऑफ टी, कि इलेक्शन कमीशन कई सारे डिसिप्लिन लाता है यार, कई सारी चीजें बोलता है, जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि
टेम्पल वगैरह से और मॉस्क्यू वगैरह से रिलीजियस जो चीज़ें बनी हुई हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर, उनके बेस पर आप वोट नहीं मांग सकते। फिर एक बार बोला गया था कि जो आर्मी में जवान शहीद होते हैं उनके बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते, बट नेता हमारे सुनते नहीं हैं और इन सारी चीज़ों के थ्रू वोट मांगते हैं जनता से, यानी इलेक्टोरल डिसिप्लिन नहीं है, विच इज़ वेरी सैड थिंग। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई। फिर क्वेश्चन 6, व्हाट चैलेंज डू पॉलिटिकल पार्टीज इज इलस्ट्रेटेड इन द कार्टून। ये कौन सा चैलेंज दिखाया गया है? 50 करोड़। अरे ऑब्वियसली पैसे का चैलेंज। कौन सा चैलेंज? मनी एंड मसल पावर, कि कैसे लोग पैसे वैसे से और ताकत से, गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स में घुसते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ पॉल साइंस, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत सिंपल सा है, बट यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं सिविक्स में। जैसे क्वेश्चन 1 देखो, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द कार्टून बाय आरके लक्ष्मण। किसने बनाया? अगर यही आ गया तो मार्क कर देना, आरके लक्ष्मण जी। और यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी तरफ फेंकी जा रही है, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी डाइवर्स डिमांड्स आर टू बी अकोमोडेटेड। सब लोग अपना अपना पत्थर मारते हैं कि मेरी ये डिमांड सुनो, मेरी ये डिमांड सुनो। तो डेमोक्रेसी के अंदर कई सारी डिमांड सुननी होती हैं। फिर व्हाट डज द कार्टून सिग्निफाई, ये कार्टून में क्या सिग्निफाई किया गया है? देखो इधर लिखा हुआ है व्हाट इट नोज अबाउट यू, ठीक है, व्हाट इट नोज अबाउट यू, कि इधर जो गवर्नमेंट बैठी है वो तुम्हारे बारे में क्या क्या जानती है, इतने बड़े होल से तुम्हें देख रही है, इतने बड़े लेंस से सब कुछ जानती है, और तुम क्या जानते हो, ये छोटा सा लेंस। देखो इधर इधर क्या दिखाया गया है कि तुम ये तुम खड़े हुए हो, तुम क्या जानते हो, ये छोटू सा लेंस लगा हुआ है, उनके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो यहाँ पे किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है? इशारा किया गया है गवर्नमेंटल सीक्रेसी की तरफ, कि गवर्नमेंट सब कुछ कैसे छुपा के रखती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है जल्दी। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, व्हाट डज द कार्टून द रिच गेट बफ डिपिक्ट। अब ये कार्टून में क्या दिखाया गया है कि अमीर लोग बहुत पावरफुल होते हैं, मिडिल क्लास बहुत कम, और पुअर ही होते हैं, यानी अनइक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? अनइक्वल, वही इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, डिफरेंसेस। क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे टेप लगाया हुआ है किसी के मुंह पे, और ये गरीब टाइप का दिखाया गया है ना, देखो कपड़े फटे फटे हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे वॉइस ऑफ द पुअर होती है, जो टेप लगा जाती है, चुप करा दी जाती है, नहीं सामने आती है। चलो क्वेश्चन 5, विच कॉन्सेप्ट इज एम्फेसाइज्ड ऑन दिस कार्टून। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्ल्ड के 50% लोगों के पास ये है, छोटा सा प्लेट है खाने को, और वर्ल्ड के 2% लोगों के पास ये, इतना ढेर सारा चीज़ है खाने को, मतलब 2% के पास बहुत ढेर सारा वेल्थ है और 50% मोस्टली पॉपुलेशन के पास कुछ नहीं है। तो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग नेशंस, ठीक है। देन क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड हियर, यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे किया गया है, यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे किया गया है, ये जो एनिमीज दिखाया गया है और ये ग्रीटिंग्स दिखाई गई है। तो यहाँ पे दिखाया गया है दिस टू इमेजेस डिपिक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन ऑफ सोशल डिवीजन। यहाँ पर अलग अलग सोशल डिवीजन पे क्या इंपैक्ट होता है ये दिखाया गया है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक चैलेंज, इफेक्ट ऑफ सोशल डिवीजन, ऑप्शन सी इफेक्ट ऑफ सोशल डिवीजन एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट दिस कार्टून। ये इसमें क्या दिखाया गया बताओ, ये यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और यहाँ पे एक लीडर है और बोल रहा है हे लेडी दैट्स माई सीट। मतलब यहाँ पे दिखाया क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है सबसे पहला पॉइंट क्या है, पढ़ो ऑप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा लीगल एंड मॉरल क्लेम्स ऑफ वुमेन, सी रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम। यहाँ पे देखो दिखाया गया मॉरल करेज, कि अपनी करेज से यहाँ पे लेडी बैठी हुई है, ठीक है, अपनी हिम्मत से, उसका हक है वहाँ पे उस बस में चेयर लेके बैठना, और लीडर से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये मेरी सीट है, ठीक है, सबको चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट ना हो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है, लीगल एंड मॉरल क्लेम्स ऑफ वुमेन, कि उसका हक है, दिखाया गया है, और रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम दिखाया गया, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलो आते हैं अगले पे, विच इज इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे क्या है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस हैं, हिस्ट्री सिविक्स से मोस्टली आते हैं, बट फिर भी एक बार हम जल्दी जल्दी फटाफट देख लेंगे। जैसे कि ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड रीता एंड एमएनसी वर्कर चूजिंग कंट्री है। कंट्री है क्यों चूज किया, क्योंकि देखो यहाँ पे मंथली इनकम आसपास है, यानी एवरेज इनकम सही है, एवरेज इनकम सही है, उतनी डिस्पैरिटीज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी हैज द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इक्वल डिवाइड किया गया है, ये नहीं कि किसी के पास बहुत पैसा किसी के पास कम पैसा। क्वेश्चन 2, अब कुछ फैमिलीज हैं, यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ फैमिली का निकालना है, क्या निकालना है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिली, वही करोगे तो फोर्थ फैमिली का इनकम निकल आएगा, विच हियर इज 12,000 करके सिंपल मैथ निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट मोस्ट प्रोबेबली हैज अ वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम। अब इन सारे पैरामीटर्स पे, कि GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
फिर ये HDI रैंक, ये सबके अकॉर्डिंग निकालना है क्या हेल्थ केयर सिस्टम किसका अच्छा है। तो डी नेपाल का अच्छा है। नेपाल का क्यों अच्छा है बताओ? क्योंकि नेपाल का जब हम देखते हैं क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कि कितने व्यक्ति का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो वो है 70.6 जो काफ़ी अच्छा नंबर माना गया है। ठीक है, और रैंक देखोगे तो 149 है। चलो फिर आते हैं नीचे। ये इस तरह के बॉक्स वाले क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने के। यहाँ पर पता करना है कौन से स्टेट में मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन मिली है, तो वो किस पैरामीटर से मालूम पड़ती है? पर कैपिटा इनकम से, इन्फेंट मोर्टेलिटी से, लिटरेसी रेट से, नहीं नेट अटेंडेंस रेशियो से। तो किसकी अच्छी अटेंडेंस रेशियो? 61, 83, 43 ऑब्वियसली, तो ऑप्शन डी विच इज वेट यहाँ पे किसकी अच्छी है? ये नेट अटेंडेंस रेशियो किसकी अच्छी है बताओ? एलिमेंट्री स्कूल किसको मिल रहा था? 83 केरला को। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन डी मार्क कर लो, केरला। चलो नेक्स्ट नीचे आओ। फिर ये इस तरह का टेबल वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है, रीड द डेटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। वही जो ऊपर था कि सबसे ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो ए में देखोगे तो इक्वल वैल्यूज अराउंड, वरना और सब में देखो यहाँ 800 किसी को मिल रहा है तो किसी को 2400, बट यहाँ 10,000-11,000 के अराउंड वैल्यूज हैं, तो ऑप्शन ए कंट्री के। फिर क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है? विजय इज अंडर नरिश्ड एज हिज वेट इज 45 kg एंड हिज हाइट इज इतना, फाइंड आउट BMI। BMI का फॉर्मूला क्या होता है? वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। हाइट मीटर में लो और स्क्वायर कर दो, और किससे डिवाइड करो? वेट को ऊपर रखो, नीचे हाइट मीटर में रहेगी, स्क्वायर होगा वेट इसमें kg में, जो ऑप्शन आएगा वो होगा, और डिवाइड करके देख लो यहाँ पे 12.6 आएगा ऑप्शन। देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर से ग्राफ वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं। जैसे देखो पहले ही आ गया। अब यहाँ पे क्या है पूछा गया, देखो ये दिखाया गया 1973-74 का हल और 2013-14 का हल GDP। तो विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। अब ये चारों ऑप्शन है तुम्हें पढ़ने होंगे, यहाँ पे क्लियरली है सी ऑप्शन जो आंसर है वो रीड करो। द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शियरी सेक्टर। देखो क्लियर देखोगे तो तीनों में बढ़ा है, ग्रीन वाला भी बढ़ रहा है, रेड भी बढ़ रहा है, ब्लू बढ़ रहा है, बट सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा है? टर्शियरी सेक्टर में। देन ये क्या है देखो, ये पढ़ो। अकॉर्डिंग टू 2017-18 डेटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज इतना 44, 25, 31। अब आउट ऑफ थ्री सेक्टर जिसमें रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसमें, प्राइमरी सेक्टर में क्यों सबसे ज्यादा है? तो वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में क्यों ज्यादा है? पहला ऑप्शन, वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर, या एफर्ट्स ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट, या आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या? कि लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ग्रो तो किया है, ये हमने ऊपर वाले ग्राफ में देखा कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ है, देखो रेड वाला रीजन, बट यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। ये क्या है? वही एम्प्लॉयमेंट वाला, कि पहले ये 1978 का हाल है, ये 2017-18 का। टर्शरी सेक्टर में बढ़ा, सेकेंडरी में बढ़ा, प्राइमरी में जो ज़्यादा था वो हल्का कम हो गया प्राइमरी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है बताओ, कि नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जो मैंने पॉइंट तुम्हें ऊपर भी समझा दिया कि देखो जब ग्रोथ हो रही है सेक्टर की तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बट उतनी नहीं बढ़ रही है, उस लेवल से नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनफ जॉब्स नहीं बनाई गई, नहीं क्रिएट की गई सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में। देन मनी एंड क्रेडिट पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट। सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या है क्रेडिट का रूरल एरियाज में? बैंक्स। अदरवाइज किसी और से लोगे, मनी लेंडर वगैरह से, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, देखो इस ग्राफ में पूछा गया है व्हाट डज द गिवन ग्राफ एसर्ट। यहाँ पे दिखाया क्या गया है, देखो ये है पुअर हाउस होल्ड, देखो ब्लू वाला दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, और ये पर्पल वाला रीजन दिखा रहा है, ये पर्पल रीजन जो है ये छोटा छोटा रीजन, फिर ये 72, फिर ये 90%, ये दिखा रहा है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। तो दिखाया गया कि जो अमीर लोग हैं वही फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, गरीब लोग को इनफॉर्मल सेक्टर से लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ो, विथ इंक्रीजिंग इनकम लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर इंक्रीजेस, कि इनकम बढ़ती है तो फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज करता है। हाँ, बताया ना कि अमीर लोग जो इंक्रीजिंग इनकम वाले हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। फिर क्यू, विथ डिक्रीजिंग इनकम लोन्स विथ फॉर्मल सेक्टर इंक्रीजेस, कि इनकम अगर कम हो रही है तो लोन्स क्या बढ़ रहा है फॉर्मल सेक्टर से? नहीं, देखो पुअर हाउसहोल्ड में 85% कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लोन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पी और आर स्टेटमेंट सही है। विद डिक्रीजिंग इनकम, जो कम इनकम वाले हैं वो बेचारे फॉर्मल सेक्टर में कम हो रहे हैं, देखो कम हो रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल से ले रहे हैं। तो बोथ पी एंड आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था वो 33 डेज वाली बुक के लिए। जिनके पास 33 डेज चैलेंज बुक है भाई, दे आर द लकीस्ट। मतलब उसमें से अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें कोई मैराथन कोच अटेंड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उस बुक से ही आएगा जैसे साइंस में आया। क्वेश्चन 3, व्हाट डज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। एक्स एंड वाई क्या है? ये एक्स, ये वाई क्या दिखा रहा है यहाँ पे बताओ। अरे भाई क्लियर 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 आंसर याद रखो। एक्स यहाँ पे लिखा होता है अकाउंट नंबर चेक में, और ये होता है क्या? चेक नंबर, अकाउंट नंबर एंड चेक नंबर। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर तो भाई साहब इस बार हट चुका है, इस बार आना नहीं है, तो इसमें से क्वेश्चन करने का कोई मतलब है नहीं। काफी रिडक्शन इस चैप्टर में हो चुका है, ठीक है, इसमें से बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन आएगा। स्टिल अगर कोई एक क्वेश्चन हो सकता है तो वो ये वाला हो सकता है, व्हाट हैज बीन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर स्टिमुलेटिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पर्टिकुलरली ड्यू टू रैपिड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या फैक्टर रहा है कि जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है बताओ? तो प्रोग्रेस इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। समाप्त होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब आओ अब फटाफट से सारे के सारा मैप रिवीजन कर लेते हैं अपनी 33 डेज वाली बुक से। हम कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरी छोटू सी फोटो जो तुम्हें शायद नहीं पसंद है। आ जाओ आ जाओ, मैप पैदा मैप पैदा। हिस्ट्री में देखो क्या आता है मार्क करने को। सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां कहां पे हुआ था। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा 1920 का सेशन कहां हुआ था, याद रखना कलकत्ता। अब कलकत्ता कहां मार्क करोगे? ऑब्वियसली ये बांग्लादेश के बगल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ऐसे करके एक सर्कल कर देना और वहां पे मार्क कर देना। फिर पूछा जाएगा, ये तो सितंबर 1920 का हो गया, दिसंबर 1920 का कहां हुआ था, तो नागपुर में। नागपुर कहां? ये मध्य प्रदेश के अंदर। फिर 1927 का हुआ था मद्रास में, तमिलनाडु में। और लाहौर सेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा आता है, तो ये यहां पर जस्ट पंजाब के बगल में, यहां पर ऐसे करके मार्क कर दोगे, 1929 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गया। देन आगे आओ आगे आओ आगे आओ, ये अगला पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अरे मतलब कि यार सत्याग्रह कहां कहां पे हुआ और क्या क्या मूवमेंट थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट था। जैसे सबसे पहले तीन सत्याग्रह कहां कहां पे हुए थे, ये देखो। सबसे पहले गुजरात में खेड़ा, गुजरात में मार कर देना, 1917 में हुआ था पीसेंट्स के लिए सत्याग्रह खेड़ा। फिर गुजरात में 1918 में हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ये कहां पे हुआ था? अहमदाबाद में, ठीक है, कैपिटल में। फिर तीसरा भी गुजरात में ही हुआ था क्या? कहां पे? अरे भाई तीसरा गुजरात में नहीं था, ये तीसरा था चंपारण में, बिहार में, याद रखना। एक चंपारण बिहार में, एक खेड़ा में, और एक अहमदाबाद में। फिर डांडी मार्च अगर आता है ना, तो ये कोस्टल रीजन पे मार्क कर देना, गुजरात के अंडर 1930 में डांडी मार्च यहाँ हुआ था। फिर चौरी चौरा मूवमेंट अगर आता है मार्क करने को, तो उत्तर प्रदेश मार्क कर देना यहाँ पे, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। फिर अगर आता है जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, सबको पता है पंजाब में अमृतसर में 1919 में हुआ था। तो ये सारे होगा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो मार्क करने को आ सकते हैं। देन सॉइल वाला पार्ट आता है कभी कभी, कि सॉइल मार्क कर दो भाई। तो देखो ये एलुवियल सॉइल का ये सारा रीजन है, ठीक है, ये सारा रीजन। तो अगर भैया मार्क करने को आएगा, हम क्या पूरा मार्क करेंगे? नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना मार्क करना है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन मार्क कर देना एलुवियल सॉइल अगर पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगली सॉइल देखते हैं भैया, लैटराइट सॉइल आएगा तो क्या मार्क करेंगे? लैटराइट सॉइल आएगा तो ये मार्क करना, आसाम वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया मार्क कर देना, या फिर वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया मार्क कर देना, कोई भी एक एरिया मार्क करना है। माउंटेन फॉरेस्ट वाला आएगा तो ये ऊपर का रीजन अपना मार्क करना है। फिर उसके बाद अगली सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के लिए ये डेक्कन एरिया, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एम से याद कर लो, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया। रेड एंड येलो सॉइल के लिए ये झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये वाला एरिया कर सकते हो, या फिर ये नीचे साउथ का रीजन कर सकते हो, कर्नाटक तमिलनाडु एंड केरला वाला रीजन। फिर मेजर डैम्स एंड रिवर्स, ये कैसा आता है भैया बताइए जरा। देखो इसमें कौन कौन से डैम आएंगे, देखो ये तो कई सारे डैम हो गए सारे, है ना, बट इसमें कौन कौन से आएंगे तुम नाम नोट कर लो, कौन कौन से डैम सिलेबस में हैं, बस डैम का नाम दे देगा और रीजन मार्क करने को आएगा। जैसे आएगा सलाल, और जैसे सलाल प्रोजेक्ट आया तो तुम कहाँ मार्क करोगे? ये जम्मू में, यहाँ पे मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर आ गया भाखड़ा नंगल, तो भाखड़ा नंगल कहाँ मार्क करोगे? यहाँ पे, स्टेट याद कर लेना। फिर तहरी डैम आएगा, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर और हीराकुड डैम, नागार्जुन सागर और तुंगा भद्रा डैम, ठीक है। जैसे ये हीराकुड यहाँ पे, इस तरह से जो मैंने नाम लिए उन सबके स्टेट देख लेना, नागार्जुन यहाँ, तुंगा भद्रा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसके बाद आएगा राइस ग्रोइंग एरियाज। तो राइस ग्रोइंग एरियाज को कहां पे मार्क करना है, याद रखना ये वाला ईस्ट यूपी एंड बिहार, कहां पे याद रखना? ईस्ट यूपी एंड बिहार, ये रीजन, ये राइस से ईस्ट यूपी एंड बिहार, ये वाला रीजन, और ये बिहार मार्क कर देना, इजी रहेगा, ठीक है। देन अब आएगा वीट, तो वीट के लिए ईस्ट यूपी में मत जाना है, यहां जाना है हमें वेस्ट यूपी में, इस साइड पे उत्तर प्रदेश मार्क कर दो, हिमाचल, पंजाब, ये सब मार्क कर सकते हो। फिर आएगा सुगर क्रेन ग्रोइंग एरियाज, तो उसके लिए अपने उत्तर प्रदेश पे आके मार्क कर देना, इजी इजी इजी। देन ब्रेवरेज कॉप्स में क्या क्या सकता है भैया? टी, चाय कहां बनती है? अरे सबके घर में, बट उगती कहां है? आसम में, आसम मार्क कर देना, ओके। नाउ अगला 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 ब्रेवरेज कॉफी, तो ये साउथ का रीजन मार्क करना, तमिलनाडु केरला कर्नाटक,
कोई भी एक रीजन मार्क कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो। रबर ग्रोइंग एरियाज में क्या है? केरला। फिर कॉटन ग्रोइंग एरियाज में क्या है? वही जहां पे ब्लैक सॉइल था, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला रीजन। फिर अगला इंपॉर्टेंट मैप है जूट ग्रोइंग रीजन का, वेस्ट बंगाल मार्क करना, जूट ग्रोइंग वहां पे ही होता है सबसे ज्यादा। अब आयरन और माइंस अगर आएगा तो पूछा जा सकता है दुर्ग कहां पे, याद रखना छत्तीसगढ़ में दुर्ग मार्क करोगे, मयूरभंज ओडिशा में मार्क करोगे, और बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है। फिर बेल्लारी कहां पे है? बेल्लारी कर्नाटक में, और कुद्रेमुख भी कर्नाटक में। यही पांचों आएंगे, ठीक है, किसमें? आयरन और माइंस में। फिर कोल्ड फील्ड्स में क्या आएगा? कोल्ड फील्ड्स में देखो ये सारे, कोल्ड फील्ड्स में ये सारे आ सकते हैं। ये क्या है? कोल्ड फील्ड्स। तो कोल्ड फील्ड्स में देख लो भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां पे ये नेवियली तमिलनाडु में, फिर उसके बाद क्या है? तालचेर उड़ीसा में, फिर उसके बाद रानीगंज कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, फिर उसके बाद बोकारो झारिया, और उसके बाद बस इतना ही। सिंगरौली वगैरह नहीं आएगा इस बार सिलेबस पे, नहीं है। चलो नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट। ये जो सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना कि सिलेबस के जो है सिर्फ उतने ही मैप पॉइंट याद करने हैं। उसी तरीके से थर्मल वाले में क्या याद करना है? थर्मल वाले में याद करना है सिंगरौली, यहाँ पे मार्क करना है मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और उसके बाद नामरूप, ठीक है, सिंगरौली हो गया, नामरूप हो गया, नामरूप कहाँ पे है? नामरूप कहाँ पे है? ये असम में, और रामागुंडम, ठीक है, रामागुंडम ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। चलो ये तीन हो गया, और फिर नेक्स्ट अपना आता है क्या? नेक्स्ट मैप है ऑयल फील्ड्स का। अब ऑयल फील्ड्स में क्या क्या सिलेबस में ये बता दो। ये डिगबॉय है असम में, नहरकटिया भी असम में, फिर उसके बाद कल्लोल गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में, बसेन कहाँ पे है? ये वेस्ट रीजन पे, यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ मुंबई के बाहर, कहाँ पे? बसेन, और मुंबई में मुंबई खुद एक मार्क करना है, ठीक है। कोई भी इस तरह से पूछ सकता है, तो जो मैं नाम ले रहा हूँ वो उसके स्टेट्स याद कर लेना बस मार्क करने के लिए। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में है देखो, ये सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट तुम्हें याद होना चाहिए नरोरा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद काकड़ापाड़ा, ये कहाँ पे है? गुजरात में, फिर उसके बाद तारापुर, ये कहाँ है? गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद कल्पक्कम जो कि है तमिलनाडु में, बस ये चार, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे आ चुके हैं हम, कॉटन टेक्सटाइल एरियाज कहाँ पे हैं ये देख लेना। हमें सिर्फ करना है क्या क्या सिलेबस में, ये देखो बहुत इजी करना है, मुंबई करना है, फिर उसके बाद कानपुर करना है, इंदौर करना है, और क्या करना है मार्क, और करना है कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, बस ये चार थे सिलेबस में। फिर आयरन एंड स्टील प्लांट में भैया क्या क्या सिलेबस में है? आयरन एंड स्टील प्लांट में ये दुर्गापुर हो गया वेस्ट बंगाल में, उसके बाद क्या है? उसके बाद है बोकारो, ठीक है, उसके बाद जमशेदपुर, और क्या है ये नीचे तमिलनाडु में सालेम, और विजयनगर, ये रह गया अपना कर्नाटक में, ये सारे के सारे अपने सिलेबस के रहेंगे, और भिलई ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, जो मैंने नाम लिए हैं वही सिलेबस में है, सिलेबस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट में क्या करना है? यार ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है? नोएडा है, अगर कोई भी जैसे रैंडम देगा कि मार्क एनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो नोएडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मार्क कर देना, ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद मुंबई आ सकता है, गांधीनगर आ गया, मुंबई आ गया, बेंगलुरु आ गया ये नीचे कर्नाटक में, फिर चेन्नई तमिलनाडु में, फिर थिरुवनंतपुरम भी कहाँ पे है? केरला में। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट अपने जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। देन ये क्या है? ये है अपना मेजर हाईवेज, जो इस बार नहीं आ रहा, ठीक है, इसको कट कर दो, ये नहीं करना है, ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है नेशनल हाईवे वाला चीज। आ जाओ नीचे आ जाओ, ये है अपना सिलेबस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम पूछ लेगा और तुम्हें मार्क करना होगा, बताओ राजा सनसी कहाँ है? अमृतसर में, तो राजा सनसी बस क्वेश्चन में दे देगा और मार्क करने को, तो कहाँ मार्क करोगे? अमृतसर पंजाब। इंदिरा गांधी कहाँ मार्क करोगे? दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे? कोलकाता। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पे? मुंबई। राजीव गांधी कहाँ पे? हैदराबाद। मीनम्बक्कम चेन्नई। और नेडुम्बचेरी कहाँ पे? थिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है, ये सारे अपने सिलेबस के। फिर सी पोर्ट्स में क्या क्या देखना है? कांडला पोर्ट कहाँ? गुजरात। मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे? ऑब्वियसली मुंबई में, कोस्टल रीजन पे मार्क करना है क्योंकि सी पोर्ट है। अरे भाई सी पोर्ट है तो कोस्टल रीजन पे ही होगा, बीच में जमीन रोड पे तो नौ चलेगी नहीं, ठीक है। फिर ये मार्मा गोवा कहाँ पे? गोवा में। न्यू मैंगलोर, कोची, टूटीगोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन उसके बाद कुछ नहीं करना है, स्वाहा कर दिया है हमने सारा का सारा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, इमेज बेस्ड, और तो और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे तुम्हारे 15-20 मार्क्स इजिली सिक्योर हो रहे होंगे। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया, नोटिफिकेशन छेड़ दूंगी, वीडियो मिस ना हो, सब कुछ फ्री में प्रैक्टिस करना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पढ़ लक्ष्य और पढ़ लक्ष्य एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद अबे करना क्या, जाना जा पढ़ ले।